हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वरीशा ज़ुल्फ़िकार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तकरीबन एक साल के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। और मैं कहाँ थी, कहाँ बिज़ी थी, ये सब भी आपको बताऊँगी। ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है ये भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। और मैं अब US का वीज़ा अप्लाई करने जा रही हूँ बहुत जल्द इंशाअल्लाह। तो जो लोग US का वीज़ा अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, मैं बहुत सारी मालूमात इकट्ठी कर चुकी हूँ और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी बहुत मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कितना आसान है, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और हम ख़ुद से किसी की हेल्प लिए बग़ैर इन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे दूर कर सकते हैं। साथ साथ ऑफिस जाने की तैयारी हो रही है, इसबगोल पानी में डाल के पी लेना मेरे लिए काफ़ी होता है, काफ़ी फिलिंग होता है। उसके बाद चिप्स और बिस्किट और एप्पल, ये मैं खाऊंगी ऑफिस जाकर। ऑफिस की गाड़ी आ चुकी है, अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, थोड़ी थोड़ी खून की हो रही है और सुबह के वक्त और शाम के वक्त कुछ ठंड भी हो जाती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सूरज और बादलों की आंख मचोली, सुबह सुबह का वक्त और बहुत ही हसीन नज़ारा है। और इस नज़ारे को इंजॉय करते करते अब मैं पहुंच जाऊंगी ऑफिस। ऑफिस जाकर करनी है तैयारी न्यूज़ की। सो जनाब ऑफिस आ गया और अब हम लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, उसके बाद हम मेकअप करवाएंगे, मेकअप करवाने के बाद हम हो जाएंगे रेडी। सो इस वक्त अदील और आमिर मुझे तैयार कर रहे हैं, 8 बजे का मेरा बुलेटिन है और तैयार होने के बाद मैं जाऊंगी बुलेटिन के लिए। कोई बताएं कि पाकिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से बेघर अफराद के लिए सिंध हुकूमत का एहसन इकदाम। सैलाब जदगान के लिए मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट समेत सिंध के बेशतर अजला में टेंट सिटी कायम कर दिए गए। न्यूज़ हो गई है ख़त्म और अब करेंगे थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा टिकटॉक, थोड़ी सी वीडियोस बनाएंगे और जो कुछ ट्रेंड में चल रहा है तो हम भी थोड़े से ट्रेंडी हो जाएंगे। तो मैं बात कर रही थी कुछ US वीज़ा के हवाले से, आने वाले वीडियोस में वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अब मैं घर आ गई हूँ। ये है नेबुलाइज़र, गला थोड़ा सा ख़राब है तो नेबुलाइज़ किया, उसके बाद पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा पॉइंट पर 75% ऑफ आजकल चल रहा है, तो ये पिज़्ज़ा मुझे पड़ा 450 रुपये का लार्ज पिज़्ज़ा, ये मैंने खाया। और उसके बाद अगले दिन की तैयारी, क्या पहनना है, ये सबसे मुश्किल सवाल है और इसका जवाब मैं ढूंढ रही थी। उसके बाद हो गई रात, रात को मैंने खाया बिरयानी और उसके साथ हरी मिर्चों का सालन। दैट इज़ फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और ट्रैवल अपडेट्स के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ मज़ीद भी चर्चा करेंगे। मेरी तरफ़ से गुड नाइट, क्योंकि रात हो चुकी है और मुझे सुबह सुबह उठना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।